हेलो दोस्तों, मैं हूँ बंटी मीना और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस इंफॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि काउंसलिंग कब होगी और एसएमएस और आरयूएचएस की कट ऑफ कितने रहने वाली है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग कब होगा। तो दोस्तों, जैसा कि माना जा रहा है कि काउंसलिंग 1 वीक के अंदर हो जाएगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था और बहुत से बच्चे बैठे थे, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। आपकी काउंसलिंग 1 वीक के अंदर कंफर्म हो जाएगी, आप कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आपके मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा और एसएमएस को पढ़कर आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा। दोस्तों, काउंसलिंग सबको करवानी है, जिसके 30 नंबर है, 25 नंबर है, चाहे कितने भी नंबर हो, सबको काउंसलिंग करवाना ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग करवाओगे तभी तो कॉलेज मिलेगा आपको, इसलिए सबको काउंसलिंग करवाना ज़रूरी है। आप सबको काउंसलिंग करवाना ज़रूरी है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तब भी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी। जो फीस काउंसलिंग में लगेगी वो फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी, इसलिए आप सब काउंसलिंग ज़रूर करा लीजिएगा। दोस्तों, काउंसलिंग में फीमेल और मेल का बहुत बड़ा रोल होता है। फीमेल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए फीमेल का जल्दी नंबर आने का चांस होता है और मेल का बाद में। और दोस्तों, साथ ही मैं बता दूं कि किनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और किनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। जिन छात्रों छात्राएं की 55 नंबर से ऊपर है, उनको गवर्नमेंट मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है, और जिन बच्चों के 55 या 50 से कम नंबर है, उनको प्राइवेट मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। बट जिनके 55 से ऊपर है ना, उनको तो गवर्नमेंट मिलने के चांस 90.9% है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितने रहने वाले। तो इस बार दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बैठे थे, इसलिए कट ऑफ हाई रहने वाली है। कुछ कॉलेजों की कट ऑफ मैं बता देता हूँ। जैसा कि जनरल एसएमएस मेल के लिए 78 से ऊपर या 78 तक कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी मेल के लिए एसएमएस में 77 से ऊपर या 77 तक कट ऑफ रहेगी, एक दो नंबर ऊपर हो सकता है, पर कट ऑफ यही रहने वाली है। अब की बार कट ऑफ हाई रहेगी। आरयूएचएस जनरल में 75 के अबव और आरयूएचएस ओबीसी के लिए 73 के अबव कट ऑफ रहने वाली है। आरयूएचएस जनरल फीमेल में 70 के अबव और आरयूएचएस ओबीसी फीमेल में 68 के लगभग कट ऑफ रहने वाली है। इस बार कट ऑफ हाई रहेगी। एसटी और एससी की कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहने वाली है, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट काम आने वाले हैं उन डॉक्यूमेंटों को अभी तक तैयार नहीं किया है, तो तैयार करके रख ले। कौन कौन से डॉक्यूमेंट काम आने वाले हैं अगर आपको पता नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देखिए। उसमें पूरे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं और सब कुछ बता रखा है कि काउंसलिंग कैसे करवानी है, सब कुछ उस वीडियो में बता रखा है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो को ज़रूर देख ले। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग की डेट आएगी हम आपको तुरंत अपडेट दे देंगे। आपको जो भी क्वेश्चन करना हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।